एनएसयूआई की प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के अनुमोदन और जिला प्रभारी चमन साहू के मार्गदर्शन में एनएसयूआई सदस्यता अभियान प्रभारियों की नियुक्ति की है। पदाधिकारियों ने सभी महाविद्यालयों में प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिनके द्वारा महाविद्यालयों में एनएसयूआई का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। पत्र वार्ता में इसकी जानकारी एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने दी है। आज दुर्ग जिला एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष गुरलीन सिंह के नेतृत्व में मेंबरशिप को आगे बढ़ाने के लिए एनएसयूआई की मेंबरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान जो पूरे प्रदेश में एनएसयूआई चला रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रभारियों की सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कॉलेजों में नियुक्ति की गई, बैठक ली गई। सभी प्रभारियों को मेंबरशिप सदस्यता अभियान से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए और टारगेट तय किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एनएसयूआई की मेंबरशिप सभी कॉलेजों में छात्रों में हर क्लास में जा जाकर एनएसयूआई कराएगी और दुर्ग जिला एनएसयूआई इसके लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल आगामी चुनाव को ये रणनीति इफेक्ट जरूर करेगी क्योंकि एनएसयूआई के जो मेंबर्स बनेंगे उन्हीं मेंबर्स में से हम ब्लॉक लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, वार्ड लेवल पर और बूथ लेवल पर अध्यक्षों और कमेटी का गठन करेंगे। यही वो एक्टिव लोग होंगे जो आगामी चुनाव में बूथ लेवल पर कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाने और एनएसयूआई को मजबूत करने का काम करेंगे। कितने का लक्ष्य लेकर के आप लोग चल रहे हैं, क्या एक आंकड़ा हो सकता है आप लोग? हम 50,000 का लक्ष्य लेकर दुर्ग जिले में सदस्यता अभियान को लेकर आगे चल रहे हैं, जो आगामी एक महीने में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।